कल ये रात में लेट नाइट घटनाक्रम हुआ, जिसमें कि शुरू में स्थानीय विधायक चंपालाल देवड़ा के भतीजे थाने पे थाने पर बगैर किसी कारण के वो अंदर तक गए, फिर वो वापस बाहर आ गए। इस पर से पुलिसकर्मियों द्वारा उनको ठोकर टाकी के लिए उनसे पूछताछ की गई, जिसका कोई स्पष्ट रूप के द्वारा जवाब नहीं दिया गया। और संभवतः उन्हीं के किसी साथी के द्वारा माननीय विधायक जी के साथ में उनको गलत जानकारी दी गई थी, जिस वजह से कि थाने पर एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी पुलिस कर्मचारी के साथ। और पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी में बाधा होने पर सुस्त कर्मचारी की रिपोर्ट में से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। बागली के भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंपालाल, उन्होंने जाके बागली थाने में सरेआम गुंडागर्दी की। सबसे पहले उनके भतीजे ने एक रेपिस्ट जिसने एक नाबालिग के साथ रेप किया, उदयनगर थाने की पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है, थाने में बंद करती है। पुलिस ने अपना काम ठीक किया, उसे छुड़ाने के लिए चंपालाल देवड़ा एमएलए का भतीजा दादागिरी से थाने के अंदर जाता है। वहाँ पे कांस्टेबल है संतोष, उसके साथ बड़े असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करके, तू मुझे नहीं जानता, मैं एमएलए का भतीजा हूँ, तुम्हारी हेड से हेड बजा दूंगा। उन्होंने समझाया कि भाई ये बड़ा गंभीर मामला है, एक बच्ची के साथ रेप हुआ है नाबालिग, आप करोगे तो आपके परिवार की बदनामी होगी, आप मत करिए। और उसके बाद उसने गालियाँ दी। रात को फिर अपने काका विधायक चंपालाल देवड़ा को लेकर आया उनके साथियों के साथ उदयनगर थाने में। वो चंपालाल भी इतने मूर्ख हैं कि जाती उन्होंने हेड कांस्टेबल के साथ बदतमीजी की, मारपीट की, ये उदयनगर है, यहाँ हमारी सत्ता चलती है, यहाँ रहना है तो हम जैसा कहें वैसा करना होगा। तो ये एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जवाबदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसे संविधान की रक्षा का दायित्व दिया है संविधान ने, वो जाके एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप के अपराधी को बचाने की, छुड़ाने की कोशिश करके प्रशासनिक अमले को धमकी देता है। तो मैं शिवराज चौहान, जो पूरे मध्य प्रदेश की बच्चियों के मामा बन गए हैं, इतने रेप हो रहे हैं बच्चियों के साथ, और उनके एमएलए और उनके मंत्री उन रेपिस्टों को संरक्षण दे रहे हैं, मैं भर्त्सना करता हूँ ऐसे कृत्य करने वाले लोगों की। और एसपी देवास से अनुरोध करता हूँ, डीजीपी भोपाल से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए तत्काल गिरफ्तारी, यदि नहीं देते तो गिरफ्तारी वारंट निकालें।